रसायन विज्ञान की तैयारी बच्चे कैसे करें ताकि वह बेहतर अंक हासिल कर सकें। देखिए, रसायन विज्ञान जो है, अन्य भौतिक विज्ञान जैसे हम कहते हैं, जीव विज्ञान, इनसे थोड़ा सा हटके है। रसायन विज्ञान में कंट्रोवर्सी बहुत है, हर स्टेप पे बच्चों को डाउट होता है, और जब तक बच्चा उस डाउट को क्लियर करके नहीं पढ़ेगा तब तक वो हमेशा रटने को अपना आधार बनाएगा अच्छे मार्क पाने के लिए। इसलिए बच्चे जो है जितने डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए, कंट्रोवर्सी जो है इनको रिमूव करते हुए अगर अपने कंसेप्ट को तैयार करता है तो वो बेहतर अंक प्राप्त करेगा। किस प्रकार वो पढ़ाई करें इस चीज़ को लेकर ताकि आसानी से उनको चीज़ें याद हो सके? केमिस्ट्री में बच्चा लिख के पढ़े, रिएक्शंस को याद करे, फिर उसको अपने से लिखे, जो रिएजेंट्स हैं, जो रिएक्शंस की कंडीशंस हैं उनको बार बार तैयार करे, और हर रिएक्शन को लिख के वो यदि तैयार करता है, बार बार रिपीट करता है, लिखता है, तो बेहतर वो करेगा। और जब केमिस्ट्री के आंसर वो दे तो बहुत अननेसेसरी चीज़ों को, बल्कि चीज़ों को ना लिखे, वो टू द पॉइंट लिखे, जो कंसेप्ट है उसको लिखे। रिएक्शंस में रिएजेंट क्या है, एरो बनाता है जब वो, एरो के ऊपर जो है रिएजेंट्स, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इनको जरूर मेंशन करे, इससे बच्चा बेहतर मार्क पाएगा। इसमें सॉल्व पेपर का क्या योगदान रहेगा? सॉल्व पेपर देखिए, जो हम पेपर सॉल्व करते हैं कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन वही आए, लेकिन उस जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, या कहीं कहीं उसका कुछ अंश आ जाता है। अनसॉल्व में हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका कुछ अंश हमारे पेपर के क्वेश्चन में कुछ अंश रहता है, या उससे हमें हेल्प मिलता है कि हम उसी पैटर्न के अगले क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से कर पाते हैं अपने एग्जाम में। पिछले कितने सालों का अनसॉल्व पेपर पढ़ना चाहिए बच्चों को? हमें लगता है कि जब से एनसीईआरटी अपने यहाँ लागू हुआ है, इसके पहले एनसीईआरटी था नहीं, यूपी बोर्ड की अलग बुक्स चलती थी, सिलेबस अलग होते थे, लेकिन जब से एनसीईआरटी लागू हुआ है पिछले 4-5 सालों से एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन वो पढ़ डाले। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम जोगेंद्र यादव है, मैं प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज। थैंक यू सर।